नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइबर्स की, कि ये फाइबर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं और ये कितने टाइप का है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइबर हमारे भोजन का अनडाइजेस्टिव पार्ट है, जो हमारे भूख को संतुष्ट करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ये फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं। तो ये फाइबर हमें मिलते हैं अनाज से, फल से और सब्जियों से। तो फाइबर यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोलेबल फाइबर और दूसरा होता है अनसोलेबल फाइबर। बात करते हैं सोलेबल फाइबर की। सोलेबल फाइबर वे फाइबर होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और ये हेल्प करते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में। हम बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ फाइबर, ये है अनसोलेबल फाइबर। ये वे फाइबर होते हैं जो पानी में नहीं घुलते और ये हमारे स्टूल को मुलायम करते हैं, यानी सॉफ्ट करते हैं और हमें हार्ट डिजीज से बचाने में हेल्प करते हैं। फाइबर हमें कितना चाहिए पर डे? तो पर डे की बात किया जाए तो एक दिन में एक एडल्ट को लगभग 30 ग्राम के अराउंड फाइबर लेना चाहिए उसे अपने डाइट से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।